में छोटे वेंडर्स हैं उनको खास करके ये झेलना पड़ता है लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी की प्रॉब्लम। और मेरा मानना जाए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। अभी क्या है कि इतना रैपिड नहीं स्प्रेड हो रहा है, तो हमें प्रिकॉशंस के साथ अगर हम मैनेज करना चाहें तो ऑब्वियसली बात है कर सकते हैं, टाइम है। और लॉकडाउन सोल्यूशन हर चीज़ का नहीं होता है, और हम लोग ऑलरेडी ऐसा एक दो बार फेस देख चुके हैं कोविड का। तो पीपल इतने लोग इतने अवेयर हैं लोग कि प्रिकॉशंस के साथ इससे बच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन नहीं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हेलो, मेरा नाम प्रांजल पांडे और आज हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय में चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक और बहुत अहम है, कोरोना। चलिए अपन ओपिनियन लेते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इसके बारे में और भी हमें डीपली बताएंगे। जैसे कि आपको मेडिकल स्टूडेंट और आज ही खबर आई है कि कोरोना का नया वेरिएंट आया है, जिसका 2-3 पेशेंट आज में रहते हैं। तो आप तो इससे बचने का क्या उपाय, आपको आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं? क्या फिर से लॉकडाउन होगा या कुछ हम बच सकते हैं? वो तो डिपेंड करता है कि केसेस अगर बढ़ते हैं और उनकी एक्सट्रीमिटी कितनी है। अगर डेथ उतनी नहीं है, अगर डेथ उतनी नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैटर ये करता है कि आपको जो सिम्टम्स और इफेक्ट कितने कर रहे हैं आपको। अगर उतना नहीं है तो आप घर में भी रह सकते हैं, लॉकडाउन उतना नेसेसरी नहीं है। हर पास लॉकडाउन ही है, सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि वो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, हर बार लॉकडाउन का जरिया। तो आपका भाई साहब, आपका? मेरा नाम प्रभात मौर्य, मैं GAC रायपुर का विद्यार्थी हूँ। जितने छोटे वेंडर्स हैं उनको खास करके ये झेलना पड़ता है लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी की प्रॉब्लम। और मेरा मानना जाए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। अभी क्या है कि इतना रैपिड नहीं स्प्रेड हो रहा है, तो हमें प्रिकॉशंस के साथ अगर हम मैनेज करना चाहें तो ऑब्वियसली बात है कर सकते हैं, टाइम है। और लॉकडाउन सोल्यूशन हर चीज़ का नहीं होता है, और हम लोग ऑलरेडी ऐसा एक दो बार फेस देख चुके हैं कोविड का। तो पीपल इतने लोग इतने अवेयर हैं लोग कि प्रिकॉशंस के साथ इससे बच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन नहीं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जैसा कि कहा गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे कोरोना आ रहा है, लोगों को है ना थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और थोड़े से अल्टरनेटिव्स ना अपने अपनाने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और एहतियात सफाई भी देखना चाहिए। लेकिन हमारे काका तो बोलते हैं कि लॉकडाउन ही एक परमानेंट सॉल्यूशन है, हमारे जो CM साहब हैं। सॉल्यूशन वो है, पर उससे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। टेम्परेरी सही रहता है जब इनिशिएट होता है। जब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तब ना लॉकडाउन ज़्यादा सही है। अभी लोग चाहे तो मास्क लगा के, अगर लॉकडाउन हो जाए, अगर लॉकडाउन मान लो एक हफ्ते का हो जाए, है ना, तो उससे क्या, हम तो सेफ हो जाएगा। वो जो रोज वेंडर्स वाले हैं वो नहीं रह पाएंगे। नाम नेहा इरवानी है और मुझे लगता है कि कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मेडिसिन है वो आयुर्वेदा है। लॉकडाउन अभी नहीं होना चाहिए, जब ज़्यादा हो जाए तब होना चाहिए, तब ज़्यादा सही है, पर उससे पहले अभी प्रिकॉशंस में ध्यान देना चाहिए, कैसे उसको रोका जाए। गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे कहीं भीड़ ना लगे। 144 इसको वगैरह लगाना चाहिए, सैनिटाइजर्स यूज़ करना चाहिए, और जो कोविड रूल्स है, जो नॉर्मल रूल्स है, अगर वो भी हम फॉलो करेंगे तो ज़्यादा हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा राजनीतिक पक्ष में जा रहा है। सही कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से है ना मास्क लगाना चाहिए, लोगों को भीड़ की जगह में है ना अब जागरूक हो चुके हैं, पहले नहीं थे पर अब हो चुके हैं, तो लोग अपने बचाव के लिए अल्टरनेटिव्स पर ध्यान दें और भीड़ भाड़ पर ना जाए और अपने काम पर ध्यान दें। और बीमार हो रहे हैं तो आयुर्वेद आपका है, आयुर्वेद सबसे ज़्यादा सही है। मोमोज दे रहा है, अब आप खा के मेरे से बात करिए, घर जाके आप इंफेक्टेड हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा? इसके कारण जो है वायरस बड़े तेज़ी से फैल रहा है, और ये डेल्टा वायरस है जो और इतनी तेज़ी से फैलता है। तो इसमें आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं जिससे क्या थोड़ा कोरोना से हमको राहत मिल जाए? वो हमारी अपनी समझदारी है। हाँ, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए जगहों में, कुछ नए लोगों के साथ और नए ओपिनियन के साथ। थैंक यू।